यीशु के जन्म। यूसुफ नाम के एक धर्मी मनई के साथ मरियम की मंगनी होई गरव है। जब वह सुनिस कि मरियम गर्भवती ही बा, तब वह जाना तरव है कि वह वाखल लड़का न हो, पर वह मरियम का बदनाम नहीं करे का चाहत रह आए। यही से वह ओखे ऊपर दया करके और वही चुपचाप तलाक दे का सोचिस। पर ऐसे पहले कि वह ऐसा करत, एक ठे स्वर्गदूत ओखे सपना में आके उसे बात करिस। वह स्वर्गदूत कहिस, हे यूसुफ, मरियम का अपन मेहरिया के रूप में लेके आए से न डेरा। ओखे भीतर जौन लड़का हबा वह पवित्र आत्मा के तरफ से हवे। वह एक ठे बेटवा का जन्म देई, उनखर नाम यीशु रखिया, जाखर अर्थ हबा यहोवा बचाए करत हैं। वह मनेन का उनके पापन से बचाई। यूसुफ मरियम से शादी करिस और वही अपन मेहरिया के रूप में घर ले आईस। पर ओखे लड़का के जन्म दे तक वह ओखे साथ नहीं सो। जब मरियम के जन्म दे के समय निकट रहा, तब वह और यूसुफ बैतलहम जाए के लाने एठी लंबी यात्रा करीन। उन्हीं हुन जाए ही कर रहा। कहे से रोमी अधिकारी इसराइल मरहा वाले सब मनेन की गिनती करे का चाहत रहे हैं। ऊ चाहत रहे हैं कि सब मनई हुन जाए जहाँ उनकर पूर्वज रहत रहे हैं। राजा दाऊद के जन्म बैतलहम में भर रहा। मरियम और यूसुफ दोनों के वह पूर्वज रहा। मरियम और यूसुफ बैतलहम गए, पर हुन जानवरन के रहा वाले जगह के अलावा उनखर रुके के लाने कोनो और जगह नहीं रहो। वह जगह रहा जौन मरियम अपन बच्चा का पैदा करिस। वह वही चरनी में सवा दईस। कैसे कि हुन ओ खिलाने कोनो बिस्तर नहीं रहो। उम आखर नाम यीशु रखिन। वह रात हुन पास के खेत में थोड़ी से चरवाहा अपन भेड़ के थवाक के रखवाली करत रहे हैं। अचानक से एक ठे चमकदार स्वर्गदूत उनके ऊपर प्रगट हो गए और ऊ डेरा गए। वह स्वर्गदूत कहिस, न डेरा, कहे से मोरे पास तुम्हरे लाने शुभ संदेश हब। बैतलहम में मसीह स्वामी के जन्म भा हवय। जाके वह बच्चा का ढूंढा और तुम वही कपड़ा में लिपटे और चरनी में सोए पईहा। अचानक से आकाश स्वर्गदूतन से भर गा। ऊ परमात्मा के स्तुति करत रहे हैं। ऊ कहिन, सब महिमा स्वर्ग में विराजमान परमात्मा का मिले। पृथ्वी पर ऊ मनैन में शांति हो जिनखर ऊ चिंता करत हैं। तब स्वर्गदूत चले गए। ऊ चरवाहा भी अपन भेड़न का छोड़ के बच्चा का देखा गए। तुरते ही ऊ वह जगह में पहुंच गए जौन जगह में यीशु रहा और ऊ वही चरनी में सऊत पाइन जैसा कि वो स्वर्गदूत कह रहे हैं। वो बहुत उत्साहित रहे हैं। तब ऊ चरवाहा वापिस हुन लौट गए जहाँ उनखर भेड़ रही हैं। ऊ जौन कुछ भी सुनिन और देखिन वह सब के लाने ऊ परमात्मा के स्तुति करत रहे हैं। पूर्व में दूर एक देश में कुछ मनई रहे हैं। ऊ सितारन के अध्ययन करत रहे हैं और ऊ बहुत बुद्धिमान रहे हैं। ऊ एक ठी असामान्य सितारा का आकाश में देखिन। नया राजा के जन्म भा हब। एखे लाने ऊ व बच्चा का देखा के लाने अपन देश से यात्रा करके निर्णय करिन। एठे लंबी यात्रा करे के बाद ऊ बैतलहम आइन और व घर का पाइन जौन घर में यीशु और उनखर माता पिता रुके रहे हैं। जब ई मनई यीशु का अपन महतारी के साथ देखिन तब ऊ घुटने टेक के उनखर आराधना करिन। ऊ यीशु का कीमती उपहार दें फिर ऊ घर वापिस लौट गए। मत्ती अध्याय 1 लूका 2 से बाइबल की एक कहानी।